सब्सक्राइब कीजिए यूनिफिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो सबसे पहले देख लें। देखो टॉपिक करते हैं आज भाई, एवरेज पावर डिसिपेटेड व्हेन एसी सर्किट कंटेन पावर ओनली। जब सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस होगा तो पावर कंज्यूम जो है कितनी होगी फुल साइकिल में, फाइंड आउट करनी है भाई। कैसे करेंगे? आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है dW/dt, ठीक बात है? पावर का फॉर्मूला क्या है? dW/dt। लेकिन पावर का एक फॉर्मूला और भी होता है, EMF इनटू करंट, ठीक बात है? EMF इनटू करंट। EMF का फॉर्मूला याद करो, जब सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस था तो क्या थी वैल्यू? E0 sin ωt, और करंट की हमारे पास इक्वेशन थी I0 sin ωt। डीटी सब लेके आएंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास TW के ऊपर, ठीक है? ये हमारे पास किसके बराबर है? ये जो वैल्यू आई है ये वर्क की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे क्या करना है? पावर निकालना है। पावर कैसे मिलेगी? जब वर्क अपॉन टाइम किया जाएगा। तो पहले वर्क निकालेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, इंटीग्रेशन बोथ साइड dW इंटीग्रेशन इधर E0 I0 बाहर आएगा, अंदर बचेगा sin ωt, और दूसरा भी sin ωt, तो sin²ωt dt 0 से t इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा हमारे पास W। किसके बराबर? E0 I0 sin²ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखेंगे इसका हम, 1 cos 2ωt by में 2, 0 से t इंटीग्रेशन dt, ठीक हो गया? 2 का बार ले लो, E0 I0 upon 2, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ dt कितना बनेगा? t, कितना बनेगा? t, cos 2ωt का कितना बनेगा? sin 2ωt, फिर उसका करेंगे एंगल का डेरिवेटिव 2ω डिवाइड 0 से t लिमिट इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वर्क आ जाएगा हमारे पास E0 I0 upon 2, t जगह अपर लिमिट t साइन 2, ओमेगा की जगह 2π/t, ठीक है? t जगह कैपिटल t अपॉन में 2ω माइनस, अब t की जगह लोअर लिमिट 0, यहां पे अगर t की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? साइन 0 0, ये प्लस 0 हो जाएगा। अब t से t कैंसिल, कितना मिल गया? sin 4π। पर आपको पता है साइन की वैल्यू हर एक पाई पे कितनी होती है? 0 0 पे समथिंग 0। तो वर्क हमारे पास कितना है? E0 I0 t upon 2, ये फार्मूला है वर्क का, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पावर। और पावर किसके बराबर होती है? वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर, जो कि बराबर होगा E0 I0 t upon 2, और t से t कैंसिल, तो E0 I0 upon 2, ये फार्मूला गया पावर का, सही है? और फर्दर क्या कर सकते हैं इसको? E0 by root 2 I0 by root 2 इज इक्वल टू t, पावर कंजप्शन, ठीक है? ये फार्मूला पता है चैप्टर 7 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में ही जरूर रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में। E0 by root 2 बन जाएगा ERMS, ये बन जाएगा IRMS इज इक्वल टू पावर, आ जाएगी पावर कंजप्शन इन वन साइकिल इफ सर्किट कंटेन रजिस्टर ओनली। अगर सर्किट में अकेला रजिस्टर है तो पावर कंजप्शन फुल साइकिल में कितनी होगी, ये फॉर्मूला था। हाँ भाई टॉपिक है भाई नेक्स्ट, एवरेज पावर डिसिपेटेड व्हेन एसी सर्किट कंटेन सी ओनली, दैट मीन्स
अगर सर्किट में अकेला कैपेसिटर हो तो फुल साइकिल में पावर कंज्यूम कितनी होगी फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे भाई? अगेन सेम फॉर्मूला, dW / dt इज इक्वल टू पावर, जो कि किसके बराबर होगा? EMF इनटू करंट। सही बात है। EMF की वैल्यू क्या थी? E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या थी? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि आपको पता है करंट जो है वो लीड कर रहा था कैपेसिटर के केस में, कितने एंगल से? पाई बाई टू एंगल से। dt इस तरफ ले आएंगे इज इक्वल टू dW। ठीक बात है। आपको पता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू किसके बराबर होगा? कोस ओमेगा टी। तो E नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट कोस ओमेगा टी dt इज इक्वल टू 1/9। ठीक बात है। अब dW मिल गया आपको, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दो यार। dW का इंटीग्रेशन इधर E नॉट I नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी dt, 0 से t इंटीग्रेशन। क्या करोगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड। क्यों किया? ताकि साइन 2 ओमेगा टी की आइडेंटिटी बन जाए। ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी dt, 0 से t इंटीग्रेशन e नॉट I नॉट अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1/9। ठीक बात है। क्या बनेगा भाई? E नॉट I नॉट अपॉन 2 बार साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस 2 ओमेगा टी, माइनस बार आ जाएगा कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव, टी का रिस्पेक्ट कितना होगा? 2 ओमेगा, लिमिट 0 से टी इज इक्वल टू 1/9। 2 ओमेगा बार ले लो, माइनस E नॉट I नॉट अपॉन में 4 ओमेगा कोस 2 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी माइनस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस कोस 2 ओमेगा इनटू टी की जगह 0 अपॉन 2 ओमेगा। 2 ओमेगा बाहर ले लेना तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहां तो टी से टी कैंसिल, कितना होगा? कोस 4 पाई, कोस 4 पाई कितना होता है? 1। कोस की वैल्यू हर एक टी 1 पाई पे 1 होती है, माइनस ये कितना बन जाएगा? कोस 0 कितना होता है? 1। 1 माइनस 1 0। बार हमारे पास था E नॉट I नॉट अपॉन 4 ओमेगा, 0 मिल गया, 0 इनटू समथिंग 0। तो पावर कंजप्शन जो है एसी सर्किट में 0 बनेगी फुल साइकिल में अगर सर्किट में अकेला कैपेसिटर है तो। क्लियर पॉइंट भाई? अगर सर्किट में अकेला इंडक्टर हो तो पावर कंजप्शन कितनी होगी? कंटेन एल ओनली। अगेन सेम मेथड में dW / dt किसके बराबर होगा? पावर। और किसके बराबर होगा? EMF इनटू करंट। EMF की वैल्यू पुट करो E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इंडक्टर जो है वो लैग बिहाइंड था कितने एंगल से? पाई बाई टू एंगल से। dt इस तरफ ले आओ, यहां जाएगा dt और किसके बराबर आएगा? dW के बराबर। सही है, पक्का। अब dW मिल गया, ये बताओ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी किसके बराबर होता है? कोस के। लेकिन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू किसके बराबर होता है? माइनस कोस के। तो माइनस E नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन बन जाएगा कोस ऑफ ओमेगा टी dt इज इक्वल टू dW। ठीक बात है। इंटीग्रेशन कर दो, यहां भी 0 से W, यहां 0 से t, फुल साइकिल में क्या होगा बताओ? बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा E नॉट I नॉट, अंदर क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी dt, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ताकि आइडेंटिटी बन जाए साइन ओमेगा टी की, 0 से t इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वर्क डन। सही है। क्या बनेगा? वर्क इज इक्वल टू माइनस E नॉट I नॉट अपॉन 2, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी dt, 0 से t इंटीग्रेशन। सही हो गया भाई। बताओ साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोस 2 ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा E नॉट I नॉट अपॉन 2, ये बन जाएगा कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t। क्या बन जाएगा बताओ?
नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ई नोट आई नोट अपॉन टू, टू ओमेगा को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस टू, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी और टी की जगह कैपिटल टी माइनस कोस टू इंटू टू पाई ओवर टी और टी की जगह जीरो, टी से टी कैंसिल कितना मिल गया कोस फोर पाई, और कोस फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है हर एक इवन पाई पे वन होती है, वन माइनस ये क्या बन जाएगा कोस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये बन जाएगा ई नोट आई नोट अपॉन फोर ओमेगा जो कि कंप्लीट वैल्यू क्या मिल जाएगी जीरो। तो फुल साइकिल में अगर बात की जाए चाहे आपके पास इंडक्टर है चाहे आपके पास कैपेसिटर है पावर कंजम्पशन क्या होगी जीरो नहीं, सही है। टॉपिक है भाई अगर सर्किट में तीनों रजिस्टर भी हो इंडक्टर भी हो कैपेसिटर भी हो तो पावर कंज्यूम कितनी होगी फुल साइकिल में, एल सी आर इन सीरीज, अगर सीरीज में हो गई ठीक है तो कैसे करेंगे भाई लगाओ फार्मूला से डी डब्ल्यू बाई में डी टी किसके बराबर होगा पावर के बराबर, ये किसके बराबर होगा ई आई के बराबर ठीक है। ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी E नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट की इक्वेशन जो है वो चेंज हो रही थी बार बार, जैसे रजिस्टर था तो आई नोट साइन ओमेगा टी था, इंडक्टर था तो आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी था, और जब कैपेसिटर था तो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी था, तो इसका मतलब कन्फ्यूजन थी कि क्या चीज ली जाए फेज डिफरेंस कौन सा ले क्योंकि तीनों हमारे पास, तो हमने क्या किया आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई मान लिया हमने फेज डिफरेंस कितना मान लिया फाइव का, अगर प्लस फाइव लोगे तो इसका मतलब है प्लस किस में था कैपेसिटर वाले केस में था तो बन जाएगा कैपेसिटर डोमिनेंट सर्किट, अगर माइनस फाइव लोगे तो बन जाएगा इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट, बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा रिजल्ट सेम रहेगा। डी टी तरफ ले आओ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, सही है तो डी डब्ल्यू मिल गया आपको ई नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आइडेंटिटी होल्ड हो गई, ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस आई नोट साइन फाई और कोस ऑफ ओमेगा टी डी टी, ठीक बात है आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो E नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन ओमेगा टी कोस फाई डी टी प्लस ई नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन फाइव कोस ओमेगा टी डी टी, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी डी टी के साथ भी, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी डी टी के साथ भी, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन यहां भी जीरो से टी लिमिट, जीरो से टी लिमिट ठीक है इज इक्वल टू वन डन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा डब्ल्यू ई नोट बार आएगा आई नोट बार आएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी इंटीग्रेशन, क्या मिलेगा ई नोट आई नोट और क्या बाहर निकलेगा बताओ, या बाहर एक चीज और निकलेगी हमारे पास कोस फाइव, तो ई नोट आई नोट कोस फाइव ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा भाई ई नोट आई नोट बाहर निकल जाएगा साइन फाइव बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डीटी जीरो से टी इंटीग्रेशन, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से डिवाइड कर दो ताकि आइडेंटिटी बन जाए। यहां याद करो कर चुके हैं बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी कितना होता है टी बाई टू, कितना होता है टी बाई टू, तो वैल्यू आ जाएगी वर्क इज इक्वल टू ई नोट आई नोट कोस फाइव और टी बाई टू, इसका ही बन गया। प्लस यहां जो याद करो ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास किसकी साइन टू ओमेगा टी की, और साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी कर करते हैं तो कितना बनता है जीरो, ये जीरो होगा जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा कितना ई नॉट आई नॉट कोस फाइव इंटू टी बाई टू, वर्क मिल गया भाई पावर अचीव कर दो यार, पावर किसके बराबर होगी वर्क अपॉन में टाइम, किसके बराबर ई नॉट आई नॉट कोस फाइव टी बाई में टू और बाई में टू टी से टी कैंसिल वैल्यू आएगी ई नोट आई नोट कोस फाइव अपॉन में टू, सही है। और फर्दर कर दो इसको एक्सप्लेन कर कैसे करोगे भाई,
ई नोट आई नोट कोस पाई है, तो क्या कर सकते हैं, ई नोट बाई में रूट टू आई नोट बाई में रूट टू इंटू कोस पाई, और ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बनता है ERMS या वर्चुअल वैल्यू बोल लो, ईवी बोल लो, ये बन जाएगा आईवी और कोस पाई। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ जाएगा भाई, पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर सर्किट में रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों सीरीज में प्रेजेंट है तो। बात समझ में आ गई, याद कर लो, अगर अकेला रजिस्टर है तो पावर कंजप्शन होगी ई नोट आई नोट बाई टू, अगर इंडक्टर है जीरो होगी फुल साइकिल में पावर कंजप्शन, कैपेसिटर है पावर कंजप्शन जीरो होगी फुल साइकिल में, अगर तीनों है तो ई नोट आई नोट कोस पाई अपॉन में टू होगी। देखो जब तक रिजल्ट्स आपको याद नहीं होंगे पॉसिबल नहीं है कोई भी न्यूमेरिकल सुनना, ये आपको बताया, ठीक है, थैंक यू।